हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह आज भी हम बात करने वाले हैं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती साहब की साल 1989 में रिलीज सभी फिल्मों के बारे में। साल 1989 में मिथुन चक्रवर्ती ने टोटल 6 फिल्में की थी और हम जानेंगे इन सभी फिल्मों के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लेकर इनकी परफॉर्मेंस के बारे में आज के इस वीडियो में विस्तार से। तो दोस्तों आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती सबसे पहले 2 मार्च 1989 में रिलीज हुई फिल्म तेरे प्यार में नजर आए थे। उनकी ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती के अलावा सारिका और मदन पुरी भी लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म का बजट था 1 करोड़। इस फिल्म ने इंडिया में से कमाए थे 1 करोड़ और पूरे वर्ल्ड में 1.5 करोड़ रुपये का कारोबार करके ये फिल्म एवरेज साबित हुई थी। उसके बाद आई थी उनकी दूसरी फिल्म अमरदीप। उनकी ये फिल्म 18 मई 1989 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ विनोद खन्ना, विनोद मेहरा और सावन आजमी भी नजर आए थे और ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किया था आर कृष्णमूर्ति ने और इस फिल्म का बजट था 1 करोड़। फिल्म ने इंडिया में से कमाए थे 1.5 करोड़ और पूरे वर्ल्ड में 2.8 करोड़ का कलेक्शन किया था और उनकी ये फिल्म हिट साबित हुई थी। उसके बाद आई थी उनकी तीसरी फिल्म सुरक्षा। उनकी ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जो कि 22 जून 1989 को आई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रविकांत नाइक ने और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ रंजीता भी अहम किरदार में नजर आई थी। इस फिल्म को करीब 70 लाख रुपए की बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने इंडिया में 1.7 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 3.75 करोड़ का कारोबार करके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। उसके बाद 14 सितंबर 1989 को आई थी उनकी चौथी फिल्म प्रेम विवाह और उनकी इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बासु चटर्जी ने और ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती के अलावा आशा परेख, उत्पल दत्त और बिंदिया गोस्वामी भी नजर आई थी और इस फिल्म का बजट रखा गया था 80 लाख और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 70 लाख का कलेक्शन किया था और उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। उसके बाद आई थी उनकी फिल्म भयानक और उनकी ये फिल्म 21 सितंबर 1989 को आई थी और ये एक हॉरर मूवी थी जिसे डायरेक्ट किया था एस यू साइद ने। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता कौर और साधु महल लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म का बजट था 70 लाख और इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 50 लाख और पूरे वर्ल्ड में 90 लाख का कारोबार किया था और उनकी ये फिल्म एवरेज साबित हुई थी। उसके बाद आई थी उनकी आखिरी फिल्म तराना जो कि 31 जुलाई 1989 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ रंजीता कौर और दिवंगत अभिनेता जगदीप भी अहम किरदारों में नजर आए थे। और अगर बात करें इस फिल्म के बजट के बारे में तो करीब 1 करोड़ रुपये की बजट मानी थी ये फिल्म और इस फिल्म ने इंडिया में से कमाए थे 1 करोड़ और पूरे वर्ल्ड में 1.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया था और उनकी ये फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी। तो दोस्तों ऐसा रहा था साल 1989 मिथुन चक्रवर्ती के लिए और आपको इन फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।